हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्यामा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी। आज के इस वीडियो में मैं पुरानी टी शर्ट्स का रियूज़ बता रही हूँ। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो टी शर्ट किसी को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगर आप इसको घर में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बहुत ही नई और 2-in-1 चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको दो तरीके से यूज़ करेंगे। एक तो आप चाहो तो पत्ते ब्लैंकेट के तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो टेरिस पे आप धूप सेकने के लिए भी इसको बिछा के आप इसका यूज़ कर सकते हैं एज अ बिस्तर। तो टी शर्ट को सबसे पहले हम कट कर देंगे। टी शर्ट के में जो नीचे वाली सिलाई वाला पार्ट होता है ना, मुड़ा वाला, उसको मैंने काट के अलग कर दिया है। उसके बाद से जो आस्तीन होती है वहाँ से नीचे की साइड में मैंने कट किया है और इस तरह से स्क्वायर पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। टी शर्ट के दोनों पार्ट्स हम यूज़ करेंगे, जैसे कि फ्रंट एंड बैक दोनों ही हम यूज़ करेंगे इसमें। कट करने के बाद मैंने इन टी शर्ट को प्रेस कर लिया है अच्छे से, तो इस तरह से आप प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर मैं इसको सेट करके दिखा रही हूँ। आप चाहो तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं, इससे छोटा भी बना सकते हैं। और इस तरह से सेट करने पे आपको पता भी चलेगा कि कितना टी शर्ट्स आप इसमें यूज़ कर पाएंगे, कितना यूज़ कर सकते हैं। तो सारी टी शर्ट होजरी की है और होजरी पे कैसे सिलाई लगानी है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से सेट करनी है टी शर्ट्स को। तो एक रो में मैंने 3 पार्ट्स लगाए हैं इस तरह से, और इसी तरह से हम पूरी टी शर्ट्स को जो भी आपने कट की है उसको इस तरह से हम लगा देंगे। तो ये देखिए, एक रो में 3 पीसेस लगाई है, तो इस तरह से पूरा एक सिंगल से ज़्यादा, अगर आप एक चटाई जैसे कहते हैं ना, एक सिंगल से ज़्यादा बड़ी चटाई, उस तरह से ये बन के रेडी होगा। इतने में आप काउंट कर सकते हो कितनी टी शर्ट इसमें लगी है। अब एक बार इन टी शर्ट्स को इस तरह से सेट करके आप बिछा के देख लीजिए किसी बड़ी जगह पे। उसके बाद से इनको हम ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए ये देखिए, इस तरह से खड़ी खड़ी मैंने इस तरह से ज्वाइन की है, मतलब कि 3 टी शर्ट जो मैंने ऊपर की लेयर में लगाई थी इन तीनों को मैंने आपस में ऐसे ज्वाइन किया है। ये देखिए, तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन देते हुए हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ऐसे पूरी पट्टियां ज्वाइन कर ले रही हूँ मैं। अब कई लोगों की ये कंप्लेन आती है कि मैम होजरी कपड़े पर सिलाई घर में नहीं लग पाती है, तो चलिए एक दो तरीके मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास होजरी कपड़े आप सिलाई करने वाले हैं तो कोई भी मशीन हो उस पर बहुत इजीली ये लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों अपने पार्ट्स लिए हैं जो मैंने टी शर्ट के कट करके रखे थे। यहाँ मैं ले रही हूँ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को इस तरह से 1/2 इंच की पतली पतली पट्टियाँ इस तरह से स्ट्राइप्स कट कर लेनी है। ये देखिए, ऐसे काट लीजिए। थोड़ी लंबी लंबी कट करनी है इसीलिए मैंने डबल रख के काटा है। और अब जैसे सिलाई लगानी है वैसे सिलाई में दोनों पीसेस मैंने नीचे रखे हैं और ऊपर की तरफ मैंने न्यूज़पेपर रख दिया है। ऐसे पतली पट्टी इस तरह से रखने के बाद सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद सिलाई लगा दीजिए। अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, उसके बाद से क्लोज़अप में मैं दिखा दूँगी कि इसकी जो स्टिचिंग हो रही है, जो बखिया आएगी वो किस तरह से आएगी। तो दोनों पीसेस को पहले एकदम ईवन कर लीजिएगा, उसके बाद से पेपर रख करके ऐसे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर फिनिश कर लीजिए डबल सिलाई लगा के। और इसको मैं निकाल लेती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से इस पर सिलाई लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, एकदम करीब से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, एकदम वैसे ही सिलाई लगी जैसे कि आप कॉटन में सिलाई लगाते हैं। जब ऊपर पेपर रखकर आप सिलाई लगाओगे ना, तो फिर वो डैमेज जो सिलाई चलती है ना होजरी पे, वो नहीं होगी। और इसी मेथड से आप अपनी लेगिंग्स पे, किसी भी होजरी कपड़े पर सिलाई लगा सकते हैं। बाद में पेपर को इस तरह से निकाल दीजिए और यूज़ कीजिए। ये देखिए, ऐसे पेपर निकाल दीजिएगा तो सिलाई कहीं भी नहीं जाएगी आपकी, सिलाई एकदम परफेक्ट वहीं पे रहेगी। और पेपर भी ऐसे निकाल दीजिए। ये देखिए, पहला तरीका ये है कि आप इस तरह से पेपर लगा करके सिलाई कर सकते हैं, जो बहुत इजी है। अब दूसरे तरीके में मैं बता रही हूँ कि दूसरे तरीके में कैसे करना है। तो यहाँ पर अंदर से भी दिखा दे रही हूँ एक बार। ये देखिए, एकदम प्रॉपर सिलाई लगी हुई है। अक्सर क्या होता है कि होजरी कपड़े में इवन सिलाई नहीं आती है। अब दूसरे तरीके में जो सुई हम यूज़ करते हैं ना, उसको चेंज करनी होगी। जैसे कि ये 18 नंबर की है, ये जीन्स में काम आती है, ये 16 नंबर की है। नॉर्मल आप सिलाई मशीन यूज़ करते हो तो उसमें लगाते हो, और 14 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन में लगती है। लेकिन जब इस तरह की होजरी कपड़े हम सिलेंगे ना, तो उसमें 11 नंबर की सुई लगेगी होजरी कपड़ों के लिए, और पतली दुपट्टे के लिए 11 नंबर की लगेगी। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सारे पीसेस मैंने ज्वाइन कर लिए हैं और मैं आपको एक लुक इसका दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली ये ज्वाइन हो गया है सब में। ये देखिए ये ज्वाइन कर लिया है मैंने। अब क्या करना है कि इसको और स्टडी बनाने के लिए आप बैक साइड में एक कोई भी कपड़ा, मोटा पर्दा या फिर कोई भी बेड शीट, ऐसा कुछ भी जो आपके पास है वो आप लगा सकते हैं इसको और मजबूत बनाने के लिए इस ब्लैंकेट को। तो यहाँ पे मैं पुरानी बेड शीट का यूज़ करूँगी, तो मैंने पुरानी बेड शीट एक ले ली है और उसके किनारे वाली पार्ट को निकाल दीजिएगा, जो बेड शीट में मुड़ा वाला पार्ट होता है ना उसको निकाल दीजिएगा। और इसको लगाने का तरीका ये है कि जो सिलाई हमने लगाई है उसको उल्टी साइड में रखेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट नीचे रखेंगे और बेडशीट को ले करके इसको भी हम अंदर की तरफ रखेंगे और ऐसे लगा के चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। एक जगह थोड़ा छोड़ देंगे सीधा करने के लिए, तो एक जगह छोड़ दिया है मैंने और उसको सीधा करने के लिए ये देखिए ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था और अभी यहीं से हम इसको सीधा कर लेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ईजी बन जाता है ये। इसको कॉर्नर्स पकड़ के पहले निकाल लेंगे और फिर चारों कॉर्नर से इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लेती हूँ, बिछा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे पूरा सीधा कर लिया है और एक जो होता है ना बेड, सिंगल बेड से भी बड़ा ये रेडी हुआ है। अभी ये इवन नहीं है क्योंकि हमने पीछे की तरफ सिलाई नहीं लगाई है। तो एक तो आप ये करेंगे कि आप बीच बीच में कहीं कहीं हम सिलाई लगा देंगे इसमें, तो वो चाहो तो वो कर लो। और या फिर एक ये है कि इस तरह से पकड़ के जो कॉर्नर है बेडशीट पीछे लगाई है उसकी और टी शर्ट की दोनों की ऐसे एक आधा इंच की सिलाई लगा देंगे, जैसे पिलो में होता है ना साइड में डिज़ाइन आती है वैसे ही सिलाई इसमें लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे चारों तरफ सिलाई लगा दी है। जो ओपन वाला पार्ट था जिससे हमने सीधा किया था उसको बंद कर दिया है और बीच बीच में एक दो सिलाइयाँ लगा कर के चादर को भी उसमें सेट कर लिया है। तो इस दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये एकदम लाइट वेट ब्लैंकेट है, हल्की ठंड में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मल्टी कलर है तो बहुत अच्छा लगेगा ये। या फिर कहीं पे भी बिछाने के लिए टेरेस पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वॉश में भी बहुत इजी है, आप इसको चाहो तो वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, बहुत ईजीली वॉश हो जाएगा ये। तो इस तरह से पुरानी टी शर्ट का यूज़ करके गाइस आप ब्लैंकेट बना सकते हैं, बिस्तर बना सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आपको वीडियो देखनी है, किसी तरह का सजेशन है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट। थैंक यू, बाय।